वेलकम है आपका। धन्यवाद रवि भाई। इस दुकान को कितना समय हो गया आपकी? 2019 में दिवाली का टाइम पर खुली थी। अच्छा रवि भाई, करीब 6 महीने चलाई हमने, उसके बाद कोविड चालू हो गया था, तो अभी तक कोविड की मार झेल रहे हैं। सब्सक्राइब माई YouTube चैनल जाकिन वाला, और शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और ये हमारी हिमालय स्वीट्स है, बालू बाल मिठाई है। अच्छा, 300 रुपये किलो है हिमालय स्वीट में। ठीक है, मंडुए की मिठाई, मंडुआ बोले तो जिसको रागी भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम आए हैं हिमालय स्वीट्स, वे हमारे सामने हैं। इस समय आप देखिए, कोरोना काल है इसलिए सारी रोड खाली है, नहीं तो इस समय यहाँ भरी रहती है। ये हिमालय स्वीट्स है, देख लीजिए, यहाँ बैठे हमारे रवि भाई। आज कस्टमर से खाली है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इनकी खासियत मिठाई की। आप जानेंगे हम इनकी मिठाई के बारे में। बाल मिठाई है, अच्छी 300 रुपये किलो है हिमालय। ठीक है, और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और बताइए, ये कहाँ की फेमस हुई? ये वैसे अल्मोड़ा की फेमस है। आपने ये चॉकलेट भी बना रखा है? ये चॉकलेट है, ये भी मावे का आइटम है, लेकिन इसके रेट ज़्यादा है, 40 रुपये ज़्यादा है अकॉर्डिंग इसके। बाल मिठाई के 340 रुपीज के। अच्छा, ये क्या होगा ये काला वाला? ये जो है ये देखिए, ये मंडुए की मिठाई है। मैं तुमको ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे नहीं दिखाई। वैसे मंडुए का मिठाई दिखाइए। ये हमारे उत्तराखंड की फेमस मंडुआ हुआ, ये है मंडुए की मिठाई। मंडुआ बोले तो जिसको रागी भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारे गांव में, हमारे पहाड़ में होता है इसका बीज जो होता है, मतलब जैसे गेहूँ जैसा होता है, उससे छोटा दाना होता है। तो हमारे पहाड़ों में क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं इसको। और दूसरा कोई नहीं बनाता इसे? दूसरा कोई नहीं बनाता फिलहाल यहाँ रामनगर में। इसकी रेसिपी बहुत हार्ड है, इसे बनाना हार्ड होगा। और इसके अलावा ये आपने समोसे टाइप में भी बनाए हैं? ये तो जैसे ऐसे दिखा दीजिए खाली, इसके अंदर होता है काजू बादाम और मावे का आइटम। अच्छा, सब मावे का आइटम हुआ। चलो, ये क्या चीज है आपके यहाँ? ये नया देखा है मैंने। कौन सा आइटम? ये रोल बना हुआ जो है। हाँ, ये रोल है, ये रोल है गाजर का। ठीक है, इसमें काजू भी पड़ा है, बादाम भी पड़ा है, जैसे गाजर का हलवा होता ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये गाजर का रोल बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये उससे बेटर है, लेकिन इसमें ज़्यादा आइटम पड़े हैं, फ्रूट्स आइटम ज़्यादा पड़े हैं इसमें, ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, और मावा जो है नाम मात्र के बराबर, 21% होगा इसमें जो है फ्रेशनेस रखने के लिए। और ये भौतों को खिलाई, भौतों को अच्छी लगी। अच्छा, मडवे की बर्फी नहीं बनाते आप? अभी आजकल फिलहाल सीजन डाउन चल रहा है, तो इसलिए आजकल बना नहीं रहे। अच्छा, बनाएंगे जब सीजन चालू हो जाएगा, शादी बरात होगा तब बनाएंगे। अच्छा, तो ये आपने पेटीएम वगैरह सभी यूज कर रहे हैं यहाँ पे? पेटीएम भी है यहाँ पर, पेटीएम ऑनलाइन फैसिलिटी है, कार्ड ऐप है। कस्टमर को पूरी वो दे रखी आपने फैसिलिटी दी है, किसी कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपको आपके यहाँ मेरे को बर्फी की 4-5 वैरायटियाँ दिख रही हैं। बादाम बर्फी है। अच्छा, इसकी क्वालिटी बेस्ट है, काजू कतली के बाद सेकंड नंबर पर यही आता है। अच्छा, उसके बाद ये दूसरी है, बर्फी का शेक भी अलग, शेप भी अलग है। हाँ, इसकी जो है ये है इलायची, इसमें इलायची पड़ती है। अच्छा, कुछ कस्टमर आते हैं ना, इलायची बहुत पसंद करते हैं, इलायची में जो है स्वीट खाने में जो है बर्फी उनको अवेलेबल है यहाँ पर। अच्छा, ये पिस्ता बर्फी है, ये देखिए आप, ये जो तीसरा वो है ना ट्रे। हाँ हाँ, ये तीसरी ट्रे पिस्ता बर्फी है। अच्छा, ठीक है, ये भी अच्छी होती है, इसकी कॉस्ट है, इन तीनों की कॉस्ट 400 है। और ये है खीर, नॉर्मल बर्फी होगी ये, प्लेन बर्फी है तो नॉर्मल बर्फी है। हाँ।
मिर्ची और जो कम मीठा खाना चाहता है उनके लिए है, क्योंकि ये भी ड्राई फ्रूट में ही आता है, चीज़ वैसे जाता है। हाँ हाँ, जो पसंद करते हैं वो ले जाते हैं इसे अपने घर के लिए। और वैसे लेकिन इसका भोग भी चढ़ता है ना, इनके लड्डू का भोग भी चढ़ता है। अच्छा, हम देख रहे हैं आपने यहाँ तुलसी का पौधा भी लगाया है दुकान में। हमारे सनातन धर्म में शुद्ध होता है तुलसी, मान्यता रख, तुलसी की मान्यता अच्छी है, तो आपने तुलसी का पौधा भी लगा रखा है। उसको चाय में भी डालो ना, चाय में दो पत्ते डालो चाय में, हाँ जी, तो खुशबू ही अलग आती है। एलोवेरा में है ये, आप हाँ सॉरी, ये मैंगो में है। अच्छा, ठीक है। और ये है मिक्सचर। अच्छा, और ये है अनार का। तो एलोवेरा सभी में ही है इनमें। चलो मैं आपकी मिठाई दिखा देता हूँ दर्शकों को। ये जो अभी अंकल लोग मिठाई ले गए थे उनकी गाड़ी थी। बाकी ये देखिए कोविड काल के उससे कैसा सुनसान हो रहा है ये इलाका। ये इलाका भरा बुरा रहता है, आज देखिए कोई नहीं दिख रहा है सड़कों में, खाली चाय वाले हैं। और अभी हो गया टाइम 3:15 समथिंग, तो यहाँ पर नाइट ड्यूटी चल रही है हिमालय स्वीट में, ठीक है। और ये हमारे विक्की भाई मेरे सपोर्टर, कैमरा मैन, वेलकम है आपका, धन्यवाद रवि भाई। अच्छा तो रवि भाई ये बताइए कोविड का आपको कैसा वो हुआ है यहाँ पर, जो कोविड का उसमें कहते हैं लोग, दुकान वाले कह रहे हैं कि काफ़ी नुकसान हो गया ये वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको भी कुछ ऐसा वो झेलना पड़ा? देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब हमने शॉप ओपन करी थी, ओपनिंग हुई थी इसकी, तो 2019 में ओपन हुई थी, और हमने ओनली इतना इन्वेस्ट करने के बाद ओनली 6 महीने तक हम इसी को चला पाए, ठीक है। उसका मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया, ठीक है। लॉकडाउन की मार आता जिले में, तो आप लगा सकते हैं इतना इन्वेस्ट करने के बाद अभी भी हम रिवेन्यू नहीं कर पाए इसका, तो इसलिए अभी लॉस में ही चल रहे हैं। अच्छा, तो और रवि भाई आप बता सकते हैं कि आप मिठाई की क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी एक बार ले जाता है कस्टमर, तो कंटिन्यू रिटर्न आता ही आता है परचेज करने। तो रवि भाई अभी जैसे कोविड काल चल रहा है, तीसरी लहर का कह रहे हैं, तो इससे पहले जो अभी था उसमें कैसा था कस्टमरों का आना जाना कोविड से पहले या जब बीच में? हाँ, बीच में जब लॉकडाउन खुला था। देखो लॉकडाउन जब भी लग रहा है तो गर्मी के सीजन में लग रहा है, समर सीजन में लग रहा है, विंटर में ओपन हो जा रहा है, मार्केट ओपन हो जा रही है, इस बार तो विंटर में ही आ गया कोविड 2022 में, तो हमें जो समर का सीजन है वो हमें देना नहीं है, तो उसका एवरेज तो हम बता नहीं सकते हैं, तो हम ये ऑफ सीजन का विंटर का बता सकते हैं। विंटर में तो रिस्पॉन्स अच्छा आया, लेकिन जो है शॉप की जो रेवन्यू है वो अभी कवर नहीं हो पाएगी। तो जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है सुबह रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो यहाँ पर कैसा है, पुलिस वाले क्या कहते हैं, कुछ करवा रहे हैं बंद वगैरह, या अभी पुलिस वालों ने कुछ दिलाई दे रखी है? तो लॉकडाउन का ये है कि अभी तो कर्फ्यू चल रहा है रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है, बट बीच में करा था सर, मार्केट पर प्रेशर करते थे कि हाँ क्लोज करो क्लोज करो,
और इतना प्रेशर भी नहीं था। इन्होंने 31st के समथिंग उस टाइम पे किया था जब 2022 चालू हुआ था, उस टाइम प्रेशर किया था कि हाँ क्लोज करो क्लोज करो। बाहर जो भाई लोग चाय वाले हैं ठेले वाले हैं उनको तो बहुत प्रेशर किया था, इनकी रोजी रोटी चल रही चाय से वो कैसे करेंगे, तो समथिंग हम तो क्लोज कर लेते थे। हम फिर ओपनली हम 1 बजे ओपन कर लेते थे शॉप टाइम। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं बोलते थे वो। तो रवि भाई और बताइए फिर क्या कहते हैं, जो अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में कोरोना कोविड का भी आ गया है दोबारा से, और प्लस आचार संहिता भी लग गई है, तो इसमें क्या देखा जा रहा है, आपका कैसा वो चल रहा है? दिखा देते हैं, ये देखिए रवि भाई की थोड़ा गाड़ी आ गई है, कस्टमर आ चुके हैं यहाँ पर, तो कस्टम उसके बाद ये इंटरव्यू लेंगे जब थोड़ा रवि भाई अपना एक कस्टमर को निपटा दें, फिर आप हम आपसे फिर मुलाकात करवाते हैं रवि भाई की। ये देखिए रवि भाई थोड़ा अपना बिजी हो गए हैं, ये गाड़ी वाले दादा उतर के आ चुके हैं हमारे गाड़ी वालों से भी पता कर लेते हैं कि कैसा रहा इनका कोरोना काल में सफ़र, कैसा रहा चल रहा है। बताएंगे भाई साहब आप कैसा चल रहा है कोरोना काल का सफ़र आपका? कोरोना काल का सही चल रहा है, तो कोई वो रोक टोक पुलिस वालों की वजह उसमें या फिलहाल तो अभी है नहीं है। अच्छा, ये दिन है भाई साहब हमारे कैमरामैन धीरेन्द्र बिष्ट A1 फोटो।